नमस्कार, मैं शुभ करण सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम में बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यवसायिक अर्थशास्त्र के यूनिट संख्या 3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम दीर्घकाल में उत्पादन फलन, पैमाने के प्रतिफल या उत्पादक का साम्य के चैप्टर में जो टॉपिक का आज हम अध्ययन करेंगे, समोत्पत्ति वक्र क्या होते हैं और समोत्पत्ति वक्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पूर्व के व्याख्यान में हमने अल्पकाल में उत्पादन फलन, शॉर्ट टर्म के अंदर प्रोडक्शन फंक्शंस के बारे में हमने चर्चा की, जिसमें उत्पत्ति हास नियम, लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग रिटर्न्स के बारे में हमने चर्चा की, क्योंकि वो प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो हर बार आपके विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में प्रश्न आता ही आता है, जिसे उत्पत्ति हास नियम या पैमाने के प्रतिफल के नियम के नाम से भी हम जानते हैं। रिटर्न ऑफ स्केल, पैमाने के प्रतिफल या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी इसे अपन कहते हैं। इसमें हमने टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन के बारे में हमने चर्चा की, जिसमें ही हमने ये देखा कि कुल उत्पादन और औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन विभिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार से चेंज होते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि दीर्घकाल में जो उत्पादन फलन या उत्पादक का साम्य या इसे हम पैमाने के प्रतिफल के रूप में भी कह सकते हैं, जैसा कि हमने पूर्व वीडियो में हमने अल्पकालीन शॉर्ट टर्म में उत्पादन फलन की चर्चा करी, आज हम करेंगे दीर्घकाल में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूंजी के जो साधन हैं, जो उत्पादन के साधन 5 हैं, वो अल्पकाल में भी काम आते हैं और दीर्घकाल में भी। अल्पकाल में हमने जो उत्पादन के साधन है, जिसमें एक साधन को अपने क्या रखा था, स्थिर रखा था, दूसरे साधन में परिवर्तन करके हमने अल्पकाल में होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के बारे में हमने चर्चा की। इसी प्रकार हम दीर्घकाल में उत्पादन फलन की चर्चा करेंगे। दीर्घकाल में उत्पादन के साधन परिवर्तन, सभी साधन परिवर्तन होते हैं, तो वो दीर्घकाल की श्रेणी में आते हैं। तो दीर्घकाल में हम आज पढ़ेंगे समोत्पत्ति वक्र। समोत्पत्ति वक्र का मतलब यहाँ पर यही हुआ कि पैमाने के प्रतिफल या समोत्पत्ति के रूप में एक तरह से एक अहम भूमिका रही है, जिसमें उत्पादन के विभिन्न संयोगों को इस प्रकार से व्यक्त करेंगे जिसमें प्रोडक्शन क्या हो, समान हो, वो हमें पैमाने का या समोत्पत्ति वक्र के नाम से जानते हैं। हो सकता है इसमें पूंजी, श्रम हो सकता है, कोई भी दो फैक्टर उत्पादन के साधनों के हो सकते हैं। अब हम बात करें समोत्पत्ति वक्र से पहले कि दीर्घकाल में भूमिका की, कि दीर्घकाल में उत्पादन फलन का विश्लेषण पैमाने के प्रतिफल के नियमों के द्वारा किया जाता है। दीर्घकालीन इतना लंबा समय होता है जिसमें एक व्यवहारिक फर्म या उत्पादक उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में परिवर्तन कर सकता है। उत्पादन के सिद्धांत या उत्पादन की फलन की व्याख्या करने की एक नवीन तकनीक भी मानते हैं, जिसे हम समोत्पत्ति वक्र भी कहते हैं। अब समोत्पत्ति वक्र को हम सम उत्पादक उत्पादक वक्र भी कहते हैं, सम उत्पादक वक्र भी इसे हम कह सकते हैं, आइसो प्रोडक्ट कर्व भी हमें इसे अपन कह सकते हैं, इक्वल प्रोडक्ट या आइसो प्रोडक्ट या आइसो क्वेंट प्रोडक्ट भी कहते हैं। समोत्पत्ति वक्र क्या होता है? समोत्पत्ति वक्र उत्पादन के दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को व्यक्त करता है जिससे समान मात्रा में क्या होगा, उत्पादन होगा। मतलब दो संयोगों को इस प्रकार से व्यक्त करता है जिससे क्या हो, समान मात्रा में उत्पादन। मतलब उत्पादन के दो साधनों में एक्स वाई को लेके हम क्रियान्वित करते हैं, वो अपन समोत्पादन वक्र कहते हैं। इसे हम मुख्यतया उदासीनता भी होता है, उदासीनता वक्र के रूप में होता है, इसे हम उत्पादन उदासीनता वक्र भी कह सकते हैं या फिर समोत्पत्ति वक्र के रूप में भी कह सकते हैं। तो ये क्या कि उत्पादन के साधनों के दो संयोगों को इस प्रकार से व्यक्त करता है जिससे समान मात्रा में क्या हो,
उत्पादन हो। तो इस प्रकार से हम एक तालिका के माध्यम से अगर पढ़ें देखें तो संयोग इस प्रकार से हुआ है, जो इसका डायग्राम्स देखें हम समोत्पत्ति वक्र का, यहाँ पर अपन संयोग मान लें ए बी सी डी, और यहाँ पर साधन अक्ष वस्तु और साधन वायु वस्तु, पांच फैक्टर, पांच अक्ष वस्तु वायु वस्तु। यहाँ पर अक्ष वस्तु में अपन ले लेंगे श्रमिक, पांच श्रमिक हैं। उत्पादन वायु वस्तु का इस प्रकार से है 12, 8, 5, 3, 2 गिरते हुए रूप में। इस प्रकार से हम इसको डायग्राम्स के रूप में देखें तो वाई ओ एक्स, ये तीनों कर्व के रूप में हम इस प्रकार से देखेंगे, साधन एक्स और साधन वाई। साधन वाई में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5 एक में 12, दूसरे में 8 के बराबर समान उत्पादन, तीसरे 5, चौथे के अंदर 3 और 2। तो अपना ये समोत्पत्ति वक्र इस प्रकार से होगा 12, 8, 5, 3, 2 वक्र। यहाँ पर विभिन्न संयोग ए बी सी और डी, यहाँ पर समान मात्रा में उत्पादन को ये दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से समोत्पत्ति वक्र दो वस्तु या दो साधनों में समान रूप से उत्पादन करने से, तो इसे हम उदासीनता वक्र भी के रूप में कह सकते हैं। तो हम इसकी परिभाषाओं के देखें तो असीमित संख्या में समोत्पत्ति वक्र होते हैं। तो पहली विशेषता तो इसकी होगी असीमित संख्या में समोत्पत्ति वक्र होते हैं। असीमित या असीमित संख्या में हो सकते हैं, जो इस प्रकार डायग्राम्स के रूप में ये है। दूसरी, हम असीमित संख्या में किस लिए होंगे, क्योंकि प्रोडक्शन समान रूप से होता है, तो उत्पादन के जो साधन हैं उनको लगाया जाता है। जब उत्पादन के साधन पूर्ण रूप से विभाज्य होते हैं तो इस प्रकार रेखा चित्र के रूप में मैंने आपको बताया है, इसमें कोई ना कोई जिसके लिए कोई ना कोई उत्पादन स्तर होता है, जिसमें प्रत्येक दाएं तरफ समोत्पत्ति वक्र के रूप में व्यक्त किया। समोत्पत्ति वक्र का संख्यात्मक रूप में भी इसे अपन ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न इकाइयों को रूप में ले लिया जा सकता है, 5, 10, 15, 20 ये फैक्टर के रूप में प्रोडक्शन के लेवल को दर्शाते हैं। दूसरा है, समोत्पत्ति वक्र सदैव नीचे की ओर दाहिने को झुकते हैं। समोत्पत्ति वक्र सदैव नीचे की ओर दाहिने की ओर झुकते हैं। किस प्रकार? इस प्रकार से। कैसे? समोत्पत्ति वक्र नीचे से दाहिने की ओर झुकते हैं, क्यों? अधिकांश समोत्पत्ति वक्र नीचे से दाहिने की ओर झुकते हैं। इसका कारण यह है क्योंकि माल की समान मात्रा में उत्पादन करने के लिए एक साधन की मात्रा को बढ़ाते हैं और दूसरे साधन की मात्रा को अपने घटानी होती है, तो इसलिए ये नीचे की ओर होता है। तीसरा, समोत्पत्ति वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होते हैं। समोत्पत्ति वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होते हैं। किस प्रकार से? ये मूल बिंदु के उन्नतोदर होते हैं। इसमें हम बात करें तो उदासीनता वक्रों की तरह समोत्पत्ति वक्र भी मूल बिंदु के उन्नतोदर के रूप में होते हैं। जिस तरह उदासीनता वक्र विश्लेषण में एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु की प्रतिस्थापन के लिए, इस प्रकार से सीमांत दर घटने पर, प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटने के कारण उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होते हैं। ठीक उसी प्रकार से
ठीक उसी प्रकार से समोत्पत्ति वक्र एक साधन से दूसरे साधन में प्रतिस्थापित किया जाता है जब तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती जाती है। इस प्रतिस्थापन की सीमांत दर को घटने के कारण इसे समोत्पत्ति के मूल वक्र के उन्नतोतर मानते हैं। अगला है, दो समोत्पत्ति वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तीसरी इसकी विशेषताएं हैं। चौथी, दो समोत्पत्ति वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। किस प्रकार से? ये वाई ओ एक्स, अक्ष साधन वाई, एक दूसरे को नहीं काट पाते हैं। क्यों नहीं काटते हैं? इसका कारण इस प्रकार से है कि समोत्पत्ति वक्र उत्पादन की मात्रा के स्तर को ये दर्शाते हैं, क्योंकि समान मात्रा में उत्पादन करना होता है एक्स वस्तु पर और वाई वस्तु पर। क्योंकि जब एक दूसरों को काट देंगे तो समान रूप से प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए समोत्पत्ति वक्र एक दूसरे को नहीं काट पाते हैं। क्योंकि तकनीकी परिस्थितियों के कारण भी ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि उत्पादन के विभिन्न स्तरों को किस प्रकार से दर्शाया जाएगा। एक समोत्पत्ति वक्र परिधि रेखाओं को अंकित करने में सहायक होते हैं। समोत्पत्ति वक्र परिधि रेखाओं, समोत्पत्ति वक्र परिधि रेखाओं को अंकित करने में सहायक इनकी सहायक भूमिका होती है। तो समोत्पत्ति वक्र परिधि रेखाओं में अंकित करने में ये सहायक होते हैं, क्योंकि जब समोत्पत्ति वक्र परिधि रेखाओं के रूप में ये क्रियान्वित होते हैं तो इसकी एक मुख्य ये भी एक परिभाषा मानते हैं, इनकी विशेषताओं के अंतर्गत माना जाता है। तो इस प्रकार समोत्पत्ति वक्र की ये विशेषता होगी। अब तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर की हम बात करें तो समोत्पत्ति वक्रों की सहायता से भी उत्पादक का साम्य किया जा सकता है, वो हम इस प्रकार से करेंगे। समोत्पत्ति वक्रों की सहायता से उत्पादक का साम्य, समोत्पत्ति वक्र उत्पादक का साम्य किस प्रकार से करेंगे? यह समोत्पत्ति लागत वक्र है। समोत्पत्ति लागत वक्र जहाँ पर काटते हैं तो आइसोकेंट के रूप में, अगर इसके बाहर अगर किसी वस्तु की लागत आती है तो उत्पादन एक बढ़ते हुए क्रम में होता है। तो इस प्रकार से समोत्पत्ति वक्र का साम्य किया जाता है। तो उत्पादन के साधनों पर ये निर्भर करती है कि एक उत्पादक का उद्देश्य दिए गए कुछ साधनों की अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना या उत्पादन की एक निश्चित न्यूनतम लागत पर ही उत्पादन करना होता है। अतः एक उत्पादक उस समय साम्य की स्थिति में होता है जब वह एक निश्चित उत्पादन की मात्रा साधनों के न्यूनतम लागत संयोग से उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार साधन एक्स और साधन वाई पर इसको क्रियान्वयन किया जाता है। तो समोत्पत्ति वक्र की हमने आज इस वीडियो में चर्चा की कि दीर्घकाल में उत्पादन फलन का जब हम करते हैं तो सर्वप्रथम हमें आइसोकेंट कर्व की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर दो साधनों में परिवर्तन या उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन समान मात्रा में किया जाता है, जिसकी विशेषताएं हमने जैसे कि उदासीनता कर्व में की वैसी ही सेम विशेषताएं हैं। यहाँ पर उत्पादन फैक्टर है, वहाँ पर दो वस्तुएं ली जाती थी। तो इस प्रकार यहाँ पर आइसोक्वेंट में उत्पादक समान मात्रा में किसी वस्तु का जब प्रोडक्शन जब करता है तो महत्वपूर्ण रूप से विभिन्न पहलुओं को यहाँ पर ध्यान में रखना होता है। तो इस प्रकार हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि पैमाने के प्रतिफल क्या होते हैं, समुचित रेखाचित्रों की सहायता से इनको समझाइए। तो
पैमाने के प्रतिफल में सभी साधनों को समान अनुपात में किस प्रकार से परिवर्तन करना होता है और सभी साधनों में दीर्घकाल में किस प्रकार से परिवर्तन करना होता है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।